इज्जत का समझौता नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब उस लड़के के करीब भी दिखाई दी ना तो मुझे तो हानिया मैं तुमसे जबान से बात नहीं करूंगा, समझे तुम? तुम्हें सुंबुल याद है? सुंबुल? कौन सुंबुल? सुंबुल इकराम शम्स, क्लास फेलो होती थी हमारी यूनिवर्सिटी में, जो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। मैंने आंटी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना, वो किसी को बाजी कहकर पुकार रही थी। वो उन्हें ये कह रही थी कि मुझे कोई ऐसा वसीफा बताओ कि हम इस घर से दफा हो जाएं। हमारी बेटी लौटा दी। हानी और अलीना को भी बुला लो, बहन से मिल लेंगे। वो दोनों तो चली गई। कहाँ चली गई? क्या बताऊं जुनैद, वेरी अपसेट। कहाँ चले गए संदर? ये क्या पता माँ के पास क्यों? वो हानिया ने तुमसे बदतमीजी की? सच्ची बात है, माँ कुछ भी कह दे, हाथ भी उठा ले, दुख नहीं होता। सौतेली माँ कुछ कहे तो दुख होता है। हुआ क्या था? कोई बात नहीं थी। अलीना ने एक डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी। मैंने उसे 100 बार कहा था कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताओ, मैं कर दूंगी। प्लेट टूटी, मैंने डांट दिया। बताऊं जुनैद, मैंने तो डर के मारे डांटा था। मुझे तो ये था कि उसे चोट ना लग जाए। इस बात पे हानिया ने बदतमीजी की? छोड़े, उसे कुछ ना कहे। संदर, I'm sorry यार। ये औरत जो है ना, इसने तरबियत की है अपने बच्चों की इतनी खराब, इतनी बुरी तरबियत की है इस जाहिल औरत ने। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। छोड़ो, तुम्हारी हालत में मैं कितनी बदतमीजी की उसने, मुझे माफी दे दो उसकी तरफ से। जुनैद, उसको स्वीट, और आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो कुछ गलत नहीं किया। अब प्लीज उसका पता तो करें, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, तुम परेशान ना हो प्लीज। हाँ, मैं मालूम करके आता हूँ। नहीं, तुम ऐसा करो, दानियाल भाई को बुला के लाओ, वो ही ताला तोड़ेगा। हम ताला तोड़ेंगे? तो क्या, आप अपना घर है, तोड़ सकते हैं ना। जाओ, कोई और आइडिया सोचे। क्या मतलब कोई आइडिया सोचे? हानिया, तुमने संदर से बदतमीजी की? अलीना पर हाथ उठाया था। झूठ मत बोलो हानिया, अलीना तुम्हें मारा था इसने? नहीं, लेकिन वो। लेकिन क्या? मैं टाइम पर ना आती तो हाथ भी उठा लेती इसके। तो मारा तो नहीं ना? क्या मतलब, मैं वेट करती कि वो इसे मारे? हानिया, मैंने तुम्हें समझाया था कि संदल की तबीयत खराब है, लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो मेरे साथ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे तुम लोग? हम अम्मा के साथ रहेंगे। हानिया, सानिया मिल गई है। कैसी है वो, कहाँ है वो? ठीक है सानिया। ओहो भाई, वो अभियान के घर गई हुई थी, अब मेरे घर आ गई है। इसलिए तो कह रहा हूँ चलो मेरे साथ।
उससे मिल लेना, चलो चले ना, प्लीज ना, प्लीज चले बाबू के साथ चलते, सानिया भी से मिल कर आते, चले ना प्लीज ना। अम्मा अम्मा सानिया कहाँ है? सानिया मेरे घर आई है, इसी तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि सुबह मेरे साथ काम से मिल भी नहीं। कब से मैं आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे। मदिया मैं चार्ज करते हुए भूल गया बस, और क्या हुआ। अच्छा अब मैं घर आ गई हूँ, आप उसे प्लीज ले आए। कैसी है वो, होश आया है उसे? ठीक है? नहीं बेहोश है अभी तक। हानिया तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं? क्यों क्यों जाएंगे तुम्हारे साथ? अरे भी मैं सोचा था कि तू हानिया से मिल लेंगी, उसको उसकी तबीयत भी देख लेंगी। बाबा आप सानिया को यहीं ले आए, उसे केयर की जरूरत है, वैसे भी आंटी खुद भी बीमार है, वो क्या केयर करेंगी उसकी वहाँ। अच्छा मैं उसको लेके आता हूँ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? अंदर अंतोष है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। अंतोष? कौन अंतोष? अम्मी से घर में एक बच्ची नजर आती है, उसी बच्ची ने शुमाइला आंटी को डराया था, सानिया को भी बहकाने वाली बही थी। बेटा फिक्र मत करो, हाँ अब डरने की जरूरत नहीं है, अंदर कोई नहीं है, हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। ये तुम लोग पहन लो। तावीज तो इजहार अंकल ने दिया था ना, लेकिन उनकी तो डेथ हो गई। रीना तुम यही समझो इजहार अंकल ने इस तावीज की बरकत से तुम्हें कुछ नहीं। थैंक यू हमजा भाई, चल आ जाओ। एक सेकंड ताला खोल दे। आ जाए, दरवाजा खुला है। हादिया ये आपने अच्छा नहीं किया। करो ये ठीक नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी से कुछ भी नहीं लगी। मैं फी सबीलिल्लाह लोगों के काम आती। आप अजी ये कुछ भी नहीं है, दिल मत तोड़ें, ना मत करें अभी। सही, सुबह जब न्याज बांटूंगी तो उसमें बांटूंगी, कितना मैं खा भी कैसे। ये बताइए आपका बेटा कैसा? बाजी आपका एहसान है, अल्लाह का फजल हो गया, बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने तो अपना फर्ज निभाया था फिरोज, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। जी अच्छा मुझे अब इजाज़त दें, आपको कोई भी काम हो मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, जब चाहें आप रब्ता कर सकती हैं। अल्लाह आपके साथ हो, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। अभियान तुमने मुझे बताया नहीं मसला क्या था, सानिया कहाँ थी और यहाँ क्यों आई थी? मम्मी मुझे तो खुद नहीं पता, आपके सामने वो आके बेहोश हुई,
बेचारी कुछ बता भी नहीं पाई। अगर तब एक बात मुझे आपको बतानी है, बात यह है कि सानिया के पूरे घर में जादू है। हाँ क्या? हाँ पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने खुद कुछ ऐसी चीजें होती देखी है मैं, जिसके बाद मुझे यकीन आ गया कोई इन पे मुस्तकिल जादू करवा रहा है। मदिया आंटी बहुत परेशान है, कोई औरत है जो कि उनकी दुश्मन होगी अम्मी। अभियान मैं इसलिए चाहती हूँ तुम इन लोगों से दूर रहो। उस लड़की पे, उसके घर वालों पर, सब पर जादू चल रहा है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन अम्मी अगर तुम चाहते हो मैं जिंदा रहूं तो तुम्हें इन लोगों से कतई ताल्लुक नहीं रखना। बस ये मेरा तुम्हें कहना मानना पड़ेगा। अम्मी लेकिन इसमें सानिया का भला क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी नहीं है बेटा। अम्मी हमजा से बात हुई है मेरी, वो एक पीर को जानते हैं, बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, उस जादू का काट कर रहे हैं। अम्मी आप देखना सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बयान इस लड़की पर, उसके घर वालों पर, सब पर जादू है। पता नहीं इन्होंने क्या किया होगा, किससे दुश्मनी ली होगी। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती है, इनका और हमारा कोई जोड़ नहीं है। और तुम ये जितनी जल्दी ये बात समझ लो ना उतना ही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद साहब। अरे माजदा बेटी तुम खैर तो है? वो वैसे तो मैं इद्दत में हूँ, आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूँ मजबूरी थी। नहीं नहीं बेटा ये तासुर गलत है, फोन पे बात की जा सकती है बेटा, बल्कि जरूरत के तहत औरत पर्दे में रहते हुए गैर मर्द से बात कर सकती है। बताओ खैर तो है, क्या हुआ, क्या बात है बेटा? वो दरअसल बहुत देर से हमजा को फोन मिला रही, उसका फोन बंद जा रहा है, तो मैंने सोचा आपके पास आया था ना वो। हाँ हाँ बेटा वो तुम्हारी दोस्त है ना मदीहा बेगम, वो हमारे पास रह रही थी कि बच्ची खो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजियाब हो गई है, हमजा उन्हीं को लेके गया है अभी जरा देर पहले। अच्छा अच्छा फिर उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी इसीलिए नहीं लग रहा था। बेटा फिक्र ना करें, माशाल्लाह साहबजादे नेक राह पे चल रहे हैं, आप उनके लिए दुआ करें। हमारे लायक बेटा कोई भी खिदमत हो हम बड़े हैं आपके हाजिर हैं। बस आप दुआओं में याद रखिएगा मुर्शिद साहब। जी बेटा बस अल्लाह ताला इजहार मियां के दर्जात बुलंद करे और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए बेटा। बेटे हम दुआ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम बड़े हैं आपके, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फातमा, फातमा, बाबा
आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, फिर आऊंगा। बेटा आप ही को होश हो जाए तो कहना मुझे फोन कर दे। बाबा आप मत जाए ना, देखिए अब तो अंतोष भी चली गई। मुझे पता है आप लोगों की लड़ाई सिर्फ अंतोष की वजह से होती थी, प्लीज मत जाए ना। कौन 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 अंतोष? बाबा वो जादूगरनी की लड़की थी, देखिए इजहार अंकल ने तावीज भी दिया था। बाबा वो कभी भी नहीं आएगी, आप भी तावीज पहन लेना, तावीज अम्मा के पास है। ये क्या खुराफा सिखा रही तुम बच्चों को यार, ये क्या है अंतोष? खुदा का वास्ता मदिया, निकल आओ इन तावीजों से, इस बकवास से। 21वीं सदी में रह रहे हो, इन बच्चों का दिमाग मत खराब करो। जुनैद ये सब कुछ सुंबल ने किया है, अंतोष भी उसके जादू का नतीजा थी। तुम तो पागल हो गई हो और इन बच्चों को भी पागल कर रही हो। कौन सुंबल, कैसी सुंबल, कहां से आ गई ये सुंबल? दिमागी इलाज की जरूरत है तुम्हें। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा ना, अगर आपने अलीना की हालत अपनी आंखों से देखी होती तो। बस बस मैं सुन चुका हूँ ये सारी बकवास, बच्चे तुम्हारे ज़हनी अमराज का शिकार हो रहे हैं मदिया। मैं जा रहा हूँ, अगर तुम माँ हो ना तो मोहब्बत से इनके दिमाग से ये सारी बेवकूफी की बातें निकाल दो, आगे तुम्हारी मर्जी है। भी चली गई अम्मा, फिर बाबा आपसे क्यों लड़ रहे? बस बेटा अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, दुआ करो कि बाबा को हमारी बात समझ में आ जाए। मरने वाले के पीर की मदद से वो घर पहुंच गई और उसने तुम्हारा पुतला भी जाया कर दिया। सब ने तावीज पहन लिए, अब मैं उस घर में नहीं जा सकता। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी निगाह में? अम्मी मुझे मुर्शिद ने इजाजत दी। अरे मुर्शिद ने तो इजाजत तुम्हारे अब्बा को भी दी थी, क्या हुआ आखिर? आप बिला चले गए ना वो इस दुनिया से। आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बिला वजह नहीं बेटा, अरे तुम दोनों में तो मेरी जान है, कुछ तो मुझ पर रहम करो। समझाओ ना अपने भाई को, बेटा फर्ज पहले माँ बाप और बहन भाई के लिए होता है, तुम्हें जो करना है हमारे लिए करो, तुम्हें हमारी तकलीफ नजर नहीं आती? अरे वो तो गैर हैं, तुम्हारे अब्बा ने भी सारी जिंदगी के गैरों का ही ख्याल किया और अब तुम भी। अब्बा ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा मुकाम है चीज का अल्लाह की नजर में। हमें आपको तो फख्र होना चाहिए कि आजकल के दौर में आपने अब्बा जैसे इंसान के साथ ज्यादा जिंदगी गुजारी। फख्र है मुझे, बहुत फख्र है, उसके साथ दुख भी तो है नहीं कि उन्होंने तुम दोनों की कोई खुशी नहीं देखी। अरे अम्मी अब्बा हमारे साथ है, आप रो क्यों रही हैं? वो हमें देख रहे होंगे और वो हमें हमेशा देखते रहेंगे। आई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अब्बा के नक्शे कदम पे चलना चाहिए और इसी से उनको खुशी मिलेगी। आई समझाएं ना उनको, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं?
मुझे माफ कर दे सर, मुझे माफ कर दे। अभी तो हो जाए। संदल, क्या ये इत्तेफाक है कि मेरी क्लास फेलो की बहन मेरे ऑफिस आती है, मुझसे नौकरी मांगती है? सच सच बताओ, क्या 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 झूठ बोलती रही हो तुम उससे? सानिया, अरे सानिया तुम जाग गई बेटा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। चलो, अल्लाह का शुक्र है। चलो तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। हाँ, कल से तुम सो रही हो, ठीक है? सानिया, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ नाश्ता? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? मेरी तबीयत को बिल्कुल ठीक। और ये लीना और ये हानिया कॉल स्कूल क्यों नहीं गए? क्या टाइम हो रहा है मम्मा? बेटा इन हालात में मैं कैसे भेजती हूँ? क्या हाल है? क्या हुआ? सानिया तुम खो गई थी। हम बहुत परेशान थे। मैं खो गई थी। कब? सुंदर ने तुम्हें कैद किया था। कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन सुंदर हुआ? क्या हुआ आप? बेटा तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम घर छोड़ के चली गई थी मुझसे नाराज होकर, और फिर सुंबल ने तुम्हें कैद कर लिया था। सुंबल वही औरत है जो मेरी दुश्मनी में हमारा घर बर्बाद करना चाहती है। सानिया कुछ याद नहीं? मुझे कुछ नहीं याद। मैं नहीं जानती आप क्या बोल रही हैं। चल, क्या वाकई ऐसा हुआ था अम्मा? अच्छा कोई बात नहीं, बाद में हम बात करेंगे। तुम अभी लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। हाँ शाबाश, जाओ कम लाइन अप, लाइन अप, लाइन अप, लेट जाओ। आंटी, मेडिकल टर्म में इसे टेम्पररी मेमोरी लॉस कहते हैं। किसी शदीद सदमे शॉक की वजह से होता है।
मुझे लग रहा है कि सानिया को कुछ ऐसा ही हुआ है। आई थिंक सो। लेकिन बेटा इसका कोई इलाज तो होगा ना? आंटी आप उससे पूछें उसे आखिरी बात क्या याद है। आखिरी बात उसे याद है कि तुम्हारी वालदा ने रिश्ते से मना किया था, वो मुझसे नाराज होके गई और जाके उस औरत के घर रही, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। काफी हैरान कन बात बता रही है आंटी आप। अमूमन इंसान को शौक लगने से पहले का चंक याद होता है, उसके बाद का वो भूल सकता है, लेकिन आप बता रही हैं कि उसे पुरानी बातें भी याद है। मुझे लगता है इस बात में भी उसके जादू का कोई असर है, ताकि सानिया पुलिस को कोई गवाही ना दे सके उसके खिलाफ। कुछ जो हालात तो वाकया था प्रोफेसर हो रहे हैं इसमें तो बस अकल हैरान ही रह जाती है। वो क्या रहे आप एक काम करें, कल सानिया को मेरे क्लिनिक लेके आए, मैं उसका फुल चेकअप करूँगा, उसके अलावा हो सके तो उसे सेक्रेटरी से बस भी लेके जाऊँगा। ठीक है, मैं कल सुबह ही उसको ले आऊँगा। ठीक है आंटी, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। जी उन्हें भेज दें अंदर। अरे आओ जुनैद, बैठो बैठो। अब सॉरी मैं ज्यादा देर बैठूंगा नहीं, काम किया तुमने मेरे नाम। तुम्हारा काम हो गया, अभी तुम्हें तुम्हारा डाटा मिल जाएगा। क्या पियोगे, टी कॉफी? नहीं नहीं मुझे जल्दी है यार, मेरा काम कर दो। सानिया जुनैद के कॉल्स का डाटा लेकर अंदर आ जाइएगा। तुम्हारा काम तो बहुत पहले हो चुका होता अगर ये पब्लिक हॉलीडेज ना आती। आई एम सॉरी, दो दिन के लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ गया। कोई बात नहीं, वैसे भी सानिया मिल गई। अरे दैट्स ग्रेट न्यूज़, कहाँ थी वो? माँ से नाराज होकर अपनी सहेली के पास चली गई थी। यार ये आजकल के बच्चे हैं ना, बहुत ही जिद्दी होते हैं, जब तक अपनी बात मनवा ना लें बाज नहीं आते। ये लो तमाम डेटा आ गया, हर नंबर के सामने सारिफ का नाम लिखा हुआ है, सानिया बेटी ने जिस जिसको कॉल की और जिस जिसने रिसीव की, सबकी डिटेल्स है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 22 तारीख का डेटा चाहिए। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो जुनैद? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस मुझे जल्दी मैं फिर मिलूंगा तुमसे। वहाँ पे मेरे अब्बू जॉब करते थे, तो 6 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया, तो मुझे यहाँ पे अपनी बाजी के पास शिफ्ट करना पड़ा। सर आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती है।
समझ में नहीं आया कि आपकी बाजी क्यों नहीं आई। पर वो उसमें आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गई है। लेकिन अपनी बहन की शादी से ज्यादा कोई चीज इम्पोर्टेंट हो सकती है? बाजी ऐसी है। कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करूं जिन्हें खुद खर्ज लोगों ने नुकसान पहुंचाया हो। सुम्बुल इकराम शम्स क्लास फेलो होती थी हमारी यूनिवर्सिटी में, जो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। कुछ कुछ तो याद है, इतने साल पहले की बात है, उसका जिक्र यहाँ से कहाँ आ गया? उसका क्या ताल्लुक है सब किससे? वही तो है जो सिफली इल्म करके हम सबसे बदला ले रही है। उसके दिल में आज तक इंतकाम की आग जल रही है। मैंने आंटी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना, वो किसी को बाजी कहकर पुकार रही थी। वो ने ये कह रही थी कि मुझे कोई ऐसा वसीफा बताओ कि हम इस घर से दफा हो जाएं। इसका मतलब है संदल का मेरे दफ्तर आना इत्तफाक नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि संदल को पता ही ना हो कि उसकी बहन मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थी? काली विद्या के अनुसार चंडाल बनने की ख्वाहिश रखने वाला मनुष्य उसी व्यक्ति से कोई पाक मजार खरीद करवाएगा जिसने ये काम करने का वादा किया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अमल से इनकारी हो जाए या मर जाए तो उसके पलूठे की औलाद से ये काम लिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए चंडाल की ख्वाहिश रखने वाला मनुष्य अपने किसी अजीज की बलि देगा, उसकी हत्या लाजम करना होगी। यानी मदिया की बेटी से ये काम करवाया जा सकता। मदिया कर दो ना मेरा काम। कितनी सख्त जान तो टूटती क्यों नहीं? सुम्बल तुझे तोड़ कर ही चैन लेगी। तुम मुझे जानते हो, तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा। मेरा काम करना पड़ेगा वरना तेरी बेटी तो मेरा काम करके ही देगी। जुनैद आज आप ऑफिस से जल्दी नहीं आ गए, खैरियत? क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी बहन आई भी क्या? जाओ उसको बता दो ताकि पर्दा कर ले। वो ऐसे ही पूछ रही थी जुनैद, क्या हुआ? बैठिए। ये तुम्हारी बहन कब से पर्दा कर रही है हा? और भी इतना सख्त पर्दा कि अपनी बहनोई से पर्दा करती है। वाह जुनैद बहुत अल्लाह वाली है, मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो सब? क्यों? कब तक अपनी बहन के लिए झूठ बोलती रहोगी तुम? कोई झूठ नहीं बोला है जुनैद, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ है? छब्बीस साल पहले मैं तुम्हारी बहन जवान थी, उस वक्त तो काफी मॉडर्न थी वो, पर्दा वर्दा नहीं करती थी। सर ये पर्दा कब से शुरू कर दिया उसने? आप मेरी बाजी को जानते हैं? यूनिवर्सिटी में मैं, मदिया और तुम्हारी बहन क्लास फेलोज थे।
سندل کیا یہ اتفاق ہے کہ میری کلاس فیلو کی بہن میرے آفس آتی ہے مجھ سے نوکری مانگتی ہے سچ سچ بتاؤ کیا 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 جھوٹ بولتی رہی ہو تم اس سے جنید میں کچھ نہیں چھپا رہی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی باجی آپ کو پہلے سے نہیں سندل مجھ سے ڈرامے بازی مت کرو تم یہ تمہاری بہن روحانی عمل نہیں کرتی روحانی عمل نہیں کرتی جادو کرتی ہے تمہاری بہن مدیحہ اور مجھ سے پرانی دشمنی نکال رہی ہے وہ میری بیٹی کو اغوا کیا اس نے میں نے فون ریکارڈ دکھائے رہے ہیں سانیہ کے اس میں تمہاری بہن کا نام ہے نام ہے تمہاری بہن کا اس میں او مائی گاڈ سندل تم دونوں بہنوں نے مل کے مجھ سے اتنا بڑا فراڈ کیا خدا کا واسطہ ہے جنید آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے تم سے محبت کی صرف محبت ہی نہیں کی میں تم سے شادی کی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا میں نے تمہارے لیے قدر نہیں کی ان کی تم کیا کر رہی ہو سندل خدا کے واسطے جنید باجی روحانی عمل کرتی ہیں لوگ ان کے پاس جادو کے توڑ کے لیے آتے ہیں وہ اللہ کا نام لیتی ہیں آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے جنید پلیز میرا یقین کریں آپ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے مدیحہ نے پہچان لیا اسے خود دیکھا اسے اب تم یہ بتاؤ کیا یہ اتفاق ہے کس بات پہ یقین کروں یہ اتفاق ہے کہ تم میرے پاس نوکری لینے آئی یا تم کسی سازش کوئی سازش کر رہی ہو تم میرے مدیحہ ہمارے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے بیچ لڑائیاں کروا رہی ہیں آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا تو مجھے سمجھاؤ نا مجھے کہ کیسا اتفاق ہے کہ تم اتفاق سے میرے آفس آ گئی اتفاق سے تمہاری بہن میری کلاس فیلو ہے اتفاق سے مدیحہ کو بھی جانتی ہے وہ اتفاق سے میں اور تم اب شادی شدہ ہیں مجھے سمجھاؤ یقین کریں آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کوئی اور بھی سنبل اکرم ہو سکتی ہے باجی آپ کو نہیں جانتی سندل اکرم شمس یہی نام ہے نا تمہارا چلو میں سا تم اپنی بہن کی چلو میں مجھے جھوٹا ثابت کرو چلو اب جنید مجھے انہیں پہلے فون تو کرنے دیں کوئی ضرورت نہیں چلو میں سر ابھی اسی وقت جنید ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ نہ ہو اسی وقت چلو تو میرے ساتھ چلو مجھے کیوں کچھ یاد نہیں رہا یہ چار پانچ دن میری زندگی سے کیسے غائب ہو سکتے امی کہہ رہی ہیں میں گھر چھوڑ کے چلی گئی لیکن مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا سنبھل یہ کون عورت ہے اور یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے سنبھل میں جس کا نام بھی نہیں جانتی میں اس کے گھر پانچ دن کیسے رہ گئی مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا ہوا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے گھبراہٹ سی ہوتی ہے سب کچھ سوچ کے کہ میں یہ سب واقعی میرے ساتھ ہوا ہے